राजस्थान में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एवरनेट में साउथ जरूर जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ भी आपकी बहुत डिमांड है। आओ ये लड़ा अपन ऐसा कुछ ठीक है। मुंबई में पहली बार राजस्थान से मिलने ऐसा लगा है और बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब करती है अवार्ड नाइट तो अजीब सा लगता है कि भाई जब फिल्में तो हर रिलीजन में बनती है, तो अगर जब अगर कोई रिलीजन का अवार्ड होता है तो ये उसके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि भाई मैं भी राजस्थान से, मेरे राजस्थान एक अवार्ड आया है, तो एक फ़ख्र से सीना खुल जाता है कि भाई अब मुझे भी कुछ करना है। कि भले कोई अवार्ड मिले ना मिले, लेकिन राजस्थान अवार्ड तो मैं डेफिनेटली लेके रहूँगा। मैं मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मैं पिछले कई सालों से राजस्थानी फिल्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन मेरा जो शो आया नच बलिए, उसके बाद फिर जो TRP से लेके लोगों की फ़ैन फॉलोइंग इतना सपोर्ट करने लगी कि पूरी टीम ने जब कहा कि हमें एक समारोह करना, मैंने कहा समारोह के बजाय इस राजस्थान इंडस्ट्री को आप डेवलप करने का कुछ प्लान करो। तो ये पहली बार राजस्थान फिल्म फेयर अवार्ड नाइट हो रही है, जो ये हमारे लिए एक मिरेकल है। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी जेंट्री आ रही, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जेंट्री इतनी तादाद में आएंगी, दूर दूर से, थाना से, कल्याण से, पूना से, सब जगह से आ रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि आज पहली बार सारे चैनल भी हमें साथ दे रही है। लेकिन एक बड़ी दुख की बात है कि मेरा भाई यहाँ कैसे, मैं यहाँ कैसे? हाँ अरे भाई राजस्थान है, और तो मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा आना बनता है। कलर पे मत जा भाई, मेरे मैं साउथ का नहीं हूँ। मेरा आज दिल और खुश हो गया, क्योंकि मेरा भाई कुंभ के मेले में गुम हो गया था, गोरा और काला। आज हम इस अवार्ड नाइट में दोनों भाई एक हो गए, 1 और 11। माँ कसम चुन चुन के हंसाएंगे, चुन चुन के हंसाएंगे राजस्थान वासियों, हम आ गए हैं। जय तू ठीक है ना जय? एकदम तुम्हारे आते ठीक हो गया मैं। मैं सच में कहूँ कि अभी मुझे जो मेरी फिल्में और शुरू हो रही है, तो मैं इस रियली कह रहा हूँ आज ये बहुत बड़े स्टार है, लेकिन ये आदमी ने मुझे, हम लोगों ने शोज साथ में बहुत किए, बहुत जीरो से शुरू किया हम लोगों ने, कहना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि जो ईमानदारी होती है ना, मेहनत सभी करते हैं, ईमानदारी ऊपर लाती है, वो ये एक इंसान है जिसको मैं जानता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। भाई बस रुला दो गया। नहीं रियली कह रहा हूँ मेरी जान, क्योंकि मैं उसी स्ट्रगल से निकला हूँ और उसी स्ट्रगल के बाद आज मेरी फिल्में कहीं शुरू हो रही है। तो मैंने अपने कई प्रोड्यूसर्स को ये कहा है कि मेरा एक भाई है जो मेरे राजस्थान के लिए कुछ करना चाहता है, और ये आदमी ने इतना ही कहा कि भाई पेमेंट साइड की बात है, एक बार मेरे अपने राजस्थान को साथ देना है। तो अब मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि राजस्थान इंडस्ट्री भी लोगों को दिखेगी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने भाई की फिल्म देखी है राजू राठौड़, उससे एक स्तर बढ़ गया मुझे लग, 100% लगा रहा हूँ वो एक से हिंदी फिल्म तो एक राजस्थानी फिल्म का स्तर बढ़ गया है। तो अब मेरे मुझे लगता है कि काफ़ी कलाकार कूद पड़ेंगे इसके अंदर। अभी मुझे लग रहा है कि जैसे कहीं जैसे सुनील शेट्टी अक्षय कुमार की जोड़ी आती थी, अब मुझे लग रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये सर बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये आएंगे, 1 और 1 11 हो जाएगा, मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, पूरा राजस्थान में छा जाएंगे। क्या बात है, जीत लेंगे राजस्थान को। आई लव यू राजस्थान, आई लव यू। थैंक यू सर। राजस्थानी सम्मेलन हो रहा है और बहुत ही अच्छे से समारोह किया जा रहा है। ऊंचा बोल जरा परीक्षा जी, बहुत बड़े लेवल पे राजस्थान फंक्शन आज आपको राजस्थान डे मनाया जा रहा है, और पहला अवार्ड फंक्शन हो रहा है राजस्थान में, इस बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए बहुत बहुत बधाई हो सबको, क्योंकि आज तो वैसे भी राजस्थान दिवस है और राजस्थान से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे, दिली प्यार है। मैं वहाँ पे एक घर भी है मेरा जवाहर नगर में और रिश्तेदार भी हैं, तो राजस्थानी फिल्में जितनी ज़्यादा बने उतना अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो वहाँ का जो कल्चर है और वहाँ की जो पुरानी इमारतें वगैरह आर्किटेक्चर है बेहतरीन है, बहुत खूब। और मैं तो सबसे कहता रहता हूँ कि यहाँ पे फिल्में बनाओ और कोई ना कोई प्रोड्यूसर ज़रूर वहाँ पहुँच जाता है फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी लोकेशन कहीं मिलती नहीं। तो इस मौके पर आपको बहुत 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 मुबारकबाद और मेरी यही इच्छा है कि फिल्में और बने राजस्थानी, और अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा राजस्थानी फिल्म में काम करने की। फिल्में देखिए राजस्थानी फिल्मों की अनगिनत विषय है, वो ऐसा कल्चर है, हिंदुस्तान का दिल है, वो एक निचोड़ है हिंदुस्तानी संस्कृति का। तो वहाँ ऐतिहासिक फिल्में बन सकती हैं, वहाँ आजकल के जो फिल्में हैं, फिर वहाँ पे गांव का बड़ा अच्छा माहौल है, तो अनगिनत विषय हैं जिनके ऊपर फिल्में बन सकती हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी खूबसूरत जगह है और मुझे तो बहुत प्यार है राजस्थान से। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा।